डबल एजेंट वो एजेंट होता है जो दो एजेंसीज के साथ एक ही समय में काम करता हो, जैसे कि RNAW है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनसे भी काम कर रहा हो, और बाहर की कोई एजेंसी है जैसे CIA है, मुसाद है, KGB है, उसके साथ भी वो कर रहा हो एक ही साथ। काउंटर इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस फॉरेन एजेंसीज आपके खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं या प्रयास करती हैं आपके यहाँ, उसको आपको डिफीट करना है, उसको आपको काउंटर करना है। तो आपके यहाँ एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो उनको ये इंटेलिजेंस इकट्ठा करने ना दे। रिस्क इसमें ये इन्वॉल्व रहता है कि किसी भी स्टेज पे सस्पेक्ट आपका जो है वो अलर्ट हो सकता है, और जो ही वो अलर्ट हो जाएगा आपका सारा इन्वेस्टिगेशन नलिफाइड हो जाएगा। जब मैं सिक्योरिटी देखता था तो उसी समय एक अधिकारी आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे सिंह के बारे में बात की। उन्हें कुछ शक था कि वो शायद ऐसी उनसे बातें पूछ रहे थे जो उनको पूछना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इसमें कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करूंगा और फिर देखूंगा, क्योंकि किसी को भी किसी शक के आधार पे किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है। रविंद्र सिंह फौज में थे और कहा जाता है कि बहुत बढ़िया अफसर भी नहीं थे, और इनफैक्ट उनकी करियर में उनको ज़्यादा प्रमोशंस भी नहीं मिले। तो जब मेजर लेवल के थे तो उनके कुछ जान पहचान थे और उनके ज़रिए, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए उन्होंने रॉ ज्वाइन किया एज अ मेजर, और मेजर से वो धीरे धीरे प्रमोशन लेते 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 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुँच चुके थे। और रविंद्र सिंह को क्योंकि उनको रेटिंग ज़्यादा हाई नहीं दिया गया था, साउथ ईस्ट एशिया का उनको चार्ज दिया गया था जो कि बहुत सेंसिटिव उन दिनों हमारे लिए नहीं था। जब इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें कि आपको ये सूचना रहती है कि कोई एक ऑफिसर या कोई एक एम्प्लॉय के ऊपर शक है कि वो हमारी सूचनाएं किसी को दे रहा है, तो ये एक बड़े जनरल सी बात होती है। तो इसमें आप पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है इसकी, और इंक्वायरी के बाद फिर देखा जाता है कि वाकई जो बात सामने आई है उसमें कोई तथ्य है या नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा होता है और इसमें ऑफिसर का कैरियर बर्बाद हो सकता है, उसको जेल हो सकता है, उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, उसका रेपुटेशन खराब हो सकता है। तो सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। मेरा उनसे ज़्यादा ताल्लुका था नहीं, लेकिन चूंकि मैं जानता नहीं था इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि कोई भी आदमी किसी भी समय में किसी भी सर्कमस्टांसिस में गलत काम कर सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस कैटेगरी में आता है, इसीलिए मैंने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कोई भी देश कोई खुफिया हरकत करता है या अपने जितने भी सिस्टम्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए बाहर के जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी कोशिश करते हैं कि इन सिस्टम्स में कैसे घुसें, हमारी जो खुफिया जानकारी है इसको कैसे बाहर निकालें, और कभी कभी ये भी कोशिश करते हैं कि जो लोग सेंसिटिव पोस्ट में काम कर रहे हैं उनको कैसे कॉन्टैक्ट करें, उनको कैसे करप्ट करें, उनको कैसे ट्रैप करें, जिससे कि जितनी भी खुफिया जानकारी उनके पास है वो अपने साथ निकाल सकें। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी होता है जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपके पास जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो नॉट ओनली टेक्निकली हम कितना सिक्योर रह सकें, ऐसा भी नज़र रख सकें कि जो लोग सेंसिटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं कहीं वो किसी गलत लोग के साथ मिल तो नहीं रहे या उनके साथ कुछ जानकारी शेयर तो नहीं कर रहे।
सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के चार इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला इसका काम होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स और प्रोफेशनल डीलिंग्स क्या है इसके ऊपर नज़र रखना। दूसरी चीज़ यह है कि क्या उनका कोई डूबियस एक्टिविटीज़ आउटसाइड द ऑफिस है। तीसरी जिम्मेवारी ये है कि बिल्डिंग में जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स का, डिवाइसेस का, सारे की सिक्योरिटी क्या है। और इसका फाइनली रोल होता है ये मॉनिटर करना कि क्या कोई ऑफिसर या एम्प्लॉई किसी भी रूप में अगर आपके नज़र में आता है कि अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। रविंद्र सिंह वाले केस में तो पहले हम एक टर्म यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन। पहली बात, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। और दोनों में फ़र्क ये होता है, एक इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है वो एक, मान लीजिए कोई क्राइम हो चुका है, उसका एक पोस्ट फैक्टो तरीका होता है कि आपको पता चल गया कि कुछ हुआ है और उसके बाद आप एविडेंस कलेक्शन में लग जाते हैं, जो कि अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट या इंडियन पिनल कोड के तरीके से आप एक्यूमुलेट करके एक ट्रायल के लिए लेके जाते हैं। यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था, यहाँ एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन माउंट किया गया था जिससे कि हमें पता चले कि हो क्या रहा है। अगर आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है इन्वेस्टिगेशन और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में। एस्पियोनेज इन्वेस्टिगेशन हमेशा लंबा खींचता है और एक बैरोमीटर की तरह होता है कि इसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ता जाता है और ये अंत तभी होता है जब वो सस्पेक्ट पकड़ा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको कोई खबर करता है और उसकी सूचना के ऊपर आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद अगर आप को रिव्यू में ऐसी कोई ख़ास बात लगती है या आपको ऐसा महसूस होता है कि 30-40% चांस है कि यह आदमी इन्वॉल्व्ड है एस्पियोनेज केस में, तो फिर आप एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं। आप सबसे पहले वॉचेस को इन्वॉल्व करते हैं। वॉचेस ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका काम होता है सस्पेक्ट को वॉच करना या जो टारगेट है उसको वॉच करना। इसके लिए जहाँ जहाँ सब्जेक्ट जाए, जहाँ जहाँ मूव करे, जहाँ वो रहे, सारी जगह वॉचर की नज़र उस पर रहनी चाहिए। ये काम काफ़ी मुश्किल का होता है क्योंकि वॉचर को इसमें अलर्ट रहना पड़ता है, फिर उसका सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए, फिर उसकी अटेंटिवनेस जो है वो बिल्कुल बहुत हाई डिग्री की होनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ आपने मिस किया वो आपकी नज़र से गया, फिर उसके बाद उसने क्या किया यह आप कभी पता नहीं लगा सकते। तो वॉचर्स का इसीलिए जो सिलेक्शन होता है वो बड़ा सोच समझ के होता है और किसी भी वॉचर को आप 2 घंटे से ज़्यादा ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर काम पे आप लगाएं, इसलिए उनका रोटेशन होता रहता है। काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में आपको सर्वेलेंस रखना पड़ता है, टेक्निकल सर्वेलेंस करना पड़ता है, फिजिकल सर्वेलेंस करना पड़ता है। हमारा जो टेक्निकल यूनिट है वो काफ़ी एडवांस्ड है और हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जो किसी भी ऑपरेशनल चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई कहीं कोई कमी नहीं है।
काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन ऐसा होता है कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कि जैसे जैसे दूसरे तार जुड़ते जाते हैं तो ये बढ़ता जाता है। उन्होंने कैमरास फिट किए, कमरों में कैमरा लगाए, खुफिया कैमरास लगाए, सीलिंग फैन से लेकर वेंटिलेटर में हर जगह कैमरास लगाए, फिर उन्होंने कुछ बग्स लगाए जिससे कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं वो पता चले, टेलीफोन को टैप किया वगैरह। अमूमन तौर पे तो जो वो काम कर रहे थे वो करीब करीब सभी अफसर करते हैं। जैसे कि जूनियर अफसर से बात करना, डिस्कस करना, लोगों को पार्टी में बुलाना, ये बड़ा कॉमन चीज है। क्योंकि हमारे पास एक अफसर ने आके खबर दी कि मुझसे ऐसी ऐसी बातें पूछी जा रही हैं जो उनको नहीं पूछना चाहिए, तो इनके खिलाफ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। फिर इनकी सारी नॉर्मल चीज़ें भी जो थी वो एबनॉर्मल लगने लगी। चाहे वो अफसरों से बात करें, किसी से कुछ पूछें, किसी को खाने पे ले जाएं, अपने साथ बुलाएं, तो सारी चीज़ें एबनॉर्मल लगने लगी। और फिर जब उसका इन्वेस्टिगेशन और इंक्रीमेंटली बढ़ाता गया तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि ये सारी चीज़ जो दिख रही है वो सही नहीं है, बल्कि इसके पीछे और कुछ छुपा हुआ, वो सिनिस्टर है। सिर्फ इतना ही पता चला उन दिनों कि वो बहुत सारे फाइल्स अपने पास रखते हैं, अपने साथ घर लेके जाते हैं और बहुत सारा फोटोकॉपी करते हैं। और वो क्या करते हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि दूसरे ऑफिसर्स को चाय या कॉफ़ी पे अपने कमरे में लेके आते हैं और फिर बहुत उनसे पूछताछ करते हैं और पता चल रहा था कि इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रॉ में एक्चुअली बैंड है। रिस्ट्रिक्टिव इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिपार्टमेंट का या एजेंसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल नहीं हो। अपने ब्रांच का और अपने यूनिट और अपने एरिया को छोड़ के दूसरे की कोई जानकारी नहीं होती, और ये एक बड़ा सख्त निर्देश होता है डिपार्टमेंट का कि कोई किसी से अपने काम के बारे में दूसरे से बात नहीं करे। इन्वेस्टिगेशन के किसी भी स्टेज पे उनको डिसमिस किया जा सकता था क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। देखिए, दो चीज़ होते हैं, एक तो प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको कहा जाता है कि आप इस प्रैक्टिस में रहिए और इससे बाहर मत जाइए, पर इसमें शायद इलीगल कुछ नहीं होगा क्योंकि जब आप लीगैलिटी की बात कर रहे हैं तो कानून आ जाता है और कानून में किसी को खर्चे से ज़्यादा पैसा देकर एंटरटेन करना, शायद इनकम टैक्स में बाद में अगर कोई केस बने आप कुछ कर सकते हैं, पर फ्रॉम एन इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव आप कुछ कर नहीं सकते। या आप किसी को घर पे चाय पे बुला रहे हैं, ये तो आप नहीं कर सकते, कुछ गैर कानूनी तो है नहीं। आपको ये तो नहीं पता कि जिस क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि चाय के ऊपर कुछ ऐसी खुफिया बातें हो सकती हैं जो उन वो बाद में अपने हैंडलर को दे सकते हैं। हैंडलर वो इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है
जो सोर्स को हैंडल करता है, हैंडल का मतलब हुआ उसकी ब्रीफिंग करता है, उससे डीब्रीफिंग करा लेता है, उसको टास्क अलॉट करता है और उसको गाइड करता है कि कैसे वो काम करेगा। वो उसके कांस्टेंट टच में रहता है, वही उसको पे करता है और वही मींस होता है सोर्स और अपनी एजेंसी के बीच में, तो उसका बड़ा वाइटल रोल होता है। उसी हैंडलर की तलाश में हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और हमारा सारा एफर्ट उसी को ढूंढने में लगा रहा, क्योंकि उसके बिना हमारा इन्वेस्टिगेशन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता था। काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन जब आप कर रहे हैं तो एक आपको पता करना है कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर लीक हो रहा है तो कौन लीक कर रहा है, और अगर लीक कर भर रहा है तो उसका रिसिपिएंट कौन है। ये पूरा जो चेन है आपको दायरे में लाना पड़ता है, तो इसलिए आपको बड़ा सेंसिटिवली काम करना पड़ेगा। जो आपका टारगेट है जिस पे आप सर्वेलेंस कर रहे हैं उसको पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही उसको पता चल जाएगा, एक तो लीक हो रहा है कि नहीं उसका कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, और अगर लीक हो रहा है तो किस जरिए से हो रहा है, कोई और लोग इन्वॉल्व है कि नहीं, और किन किन लोगों तक पहुँचा रहे हैं, किस तरीके से पहुँचा रहे हैं, ये सारा केस हाथ से निकल जाएगा। दो ऐसे एपिसोड्स थे जिसके वजह से अमेरिकन इंटेलिजेंस बहुत हिल गया था। एक तो जो ज़्यादा मशहूर है वो है 9/11 के अटैक्स, जिसमें दो वर्ल्ड ट्रेड टावर को ओसामा बिन लादन के लोगों ने मार गिराया। दूसरा था मई 1998 में इंडिया का न्यूक्लियर टेस्टिंग। और अमेरिकन इंटेलिजेंस, उनके पास सैटेलाइट्स हैं, इतने सारे खुफिया एजेंट्स हैं, इसके बावजूद उनको कानों खबर भी नहीं पता चला कि इंडिया इतना बड़ा टेस्ट करके, और उनको कहीं से भी कोई एक हिंट भी नहीं मिला कि इतना बड़ा हो सकता है। तो तब से अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा वो आक्रोश आ गया कि हम इसको कैसे, इस गैप को कैसे हम भर सकते हैं। ये एक बड़ी विवादास्पद बात है अभी भी कि वो किसके लिए काम करना। एक कॉमन आदमी के लिए ये पता लगाना और ये महसूस करना, समझना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर के लिए जब तक कि वो एविडेंस पक्का नहीं हो तब तक ये कहना सही नहीं हो। रविंदर सिंह केस में कई सारी चीज़ें हुए हैं, जो पहली बात तो उनको कांटेक्ट कैसे किया गया, उनको कन्वर्ट कैसे किया गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला वो जब किसी दूसरे देश में पोस्टेड थे, तब उनके किसी परिवार में किसी का तबीयत ख़राब हो गया, उनको हॉस्पिटल ले गया, काफ़ी सारे मेडिकल बिल्स हैं, और उस टाइम पे अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उनके साथ कांटेक्ट किया, उनको काफ़ी मदद की, फिर उनको काफ़ी सारा पैसा दिया गया, काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए, तो तभी से एक रिश्ता बना। तो बाय द टाइम वो इंडिया वापस आए अपने पोस्टिंग से, तब तक ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके थे। ऐसी संभावना तो थी, लेकिन ये केवल संभावना ही थी, क्योंकि कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं था कि वो CIA के किसी अफसर को वो रिपोर्ट दे रहा हो या वो ले रहा हो या ब्रीफ कर रहा हो या डिब्रीफ कर रहा हो। मैं इस केस को एक दूसरे केस के साथ जोड़ना चाहता हूँ। 1983 या 82 83 में एक बहुत बड़ा केस पकड़ा गया था। एक कुमार नारायण नाम का एक जूनियर क्लर्क होता था, जो उन दिनों मिस्टर अलेक्जेंडर थे, जो बाद में राज्यसभा MP भी बने, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे टू द प्राइम मिनिस्टर। उनके ऑफिस में वो कोई जूनियर क्लर्क थे। अब देखिए, फ्रेंच इंटेलिजेंस ने इस आदमी को अपने कुछ थोड़ा बहुत पैसा देकर, थोड़े बहुत गुड्स देकर, कुछ गिफ्ट वगैरह देकर इसको अपने कब्जे में कर लिया, और एक पूरा मिसाइल प्रोग्राम जो हमारा चल रहा था उन दिनों, उसके सारे फाइल्स लेके इनके हाथ पहुंचा दिए। तो अगर एक क्लर्क इतना बड़ा काम कर सकता है और इतना बड़ा लीकेज कर सकता है, तो रविंदर सिंह तो एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, एक बड़े सेंसिटिव, हमारे सबसे बड़े इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे थे, तो इनके लिए बहुत बड़ा एसेट था फॉर अमेरिकन इंटेलिजेंस। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स के सेंसिटिविटी का सवाल है, मैं उसको 10 और 0 के स्केल में 1 to 4 के बीच में रखूँगा। और चूँकि ये 1 to 4 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा, इसीलिए ऐसी कभी कोई कंपेलिंग रीज़न नहीं आया जिससे कि अरेस्ट किया जाए
या इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया जाए। आर्टिकल 311 में ये एक प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी सबोटाज में या एस्पनाज केसेस में इन्वॉल्व हो तो उसको सिक्योरिटी के आधार पे उसको डिसमिस किया जा सकता था। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा से था, बट हमको इसी से हम लोगों को संतोष नहीं करना था, क्योंकि अगर आप शुरू में ही उनको डिसमिस कर देते तो फिर वो सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आती जो आज हमको मालूम है। जो काउंटर इंटेलिजेंस सेटअप थी उनको खबर मिला कि बहुत सारी फाइलें रविंदर सिंह ने अपने बैग में लेके वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली उस दिन एक लॉकडाउन ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं और बाकी नॉन ऑफिसर कैटेगरी में जो लोग हैं सबकी चेकिंग की जाएगी और सबके फाइल्स जब घर जाते वक्त चेक किया जाएगा। उसमें उनको थोड़ी सी शक पैदा हो गई कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। तो ये भी माना जाता है कि एक दूसरे ऑफिसर ने जाके कहा, उनको कहा, और ये टेप पे भी है क्योंकि खुफिया कैमरे लगे हुए थे, कि शायद हमारे एजेंसी में कोई ऐसा मोल है या डबल एजेंट है जिस पे निगरानी रखी जा रही है और उनको बहुत जल्दी पकड़ने वाले हैं। जब तक सस्पेक्ट को ये पता न चले कि हमारे ऊपर कोई वॉच कर रहा है तब तक वॉचर और सर्वेलेंस टीम की इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जो ही थोड़ा सस्पेक्ट के मन में आता है फिर वो एडवांटेज उसके फेवर में स्विंग कर जाता है, क्योंकि तब वो ये समझ सकता है कि हमारे ऊपर वॉच है, ये वॉच कर रहा है, ये टीम वॉच कर रही है, ये व्हीकल हमको सवेल कर रहा है, तो उस टाइम में या तो नहीं निकलो या काम बंद कर दो या कोई दूसरा उपाय करो। तो संभव है कि इस तरह से क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में किसी ने किसी रूप में ये जानकारी किसी से उसको जरूर मिली होगी, और थोड़ी सी भी कहीं अगर चूक हुई है तो अलर्ट हो जाएगा, और जब वो अलर्ट हो जाएगा फिर आपकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, फिर वो आपको वॉच करेगा और फिर वो आपको घुमाएगा जैसा वो आपको चाहता है। इस पर्टिकुलर केस में जैसे जैसे एविडेंस नहीं मिलता जा रहा था उसी के प्रोपोर्शन में टीम के सभी मेंबर्स को इंक्लूडिंग द चीफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था, और इस तरह का ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन था जिसमें कि कभी होप्स राइज होता था, कभी डिस्पेयर होता था, कभी फ्रस्ट्रेशन होता था, कभी बड़ा इलेशन होता था, लगता था कि अब बिल्कुल हम लोग करीब पहुंच गए हैं, फिर बिल्कुल सेटबैक लगता था। तो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फेज था ये, जिसमें कि सब लोग एक तरफ से राइज कर रहे थे और फॉल कर रहे थे। मैं इसमें चीफ इन्वेस्टिगेटर की तारीफ करूंगा, जिन्होंने एक्चुअली ये केस को हैंडल किया। ये मामूली काम नहीं था कि आप अपने ही एक किसी सीनियर ऑफिसर के खिलाफ में बंद बिल्डिंग के अंदर, और उन्होंने एक ऐसी ज़बरदस्त टीम तैयार की जिन्होंने इसकी फिक्र किए हुए बगैर कि कितना टाइम लगता है, उसमें हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और इस काम को करते रहे, इन्वेस्टिगेशन को करते रहे। सबसे रिमार्केबल चीज़ यह है कि किसी भी स्टेज में न तो उन्होंने और न उनके किसी टीम के मेंबर ने ये फील किया कि अब इसको बंद करना चाहिए। एक्चुअली
कहते तो वो ये रहते थे हमसे कि इसको करना है और इसको पूरा करना है, लेकिन डिफिकल्टी इसमें बहुत थी। और इसी रात की डिफिकल्टी नहीं थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कोई वॉच कर रहा है, कोई उसको एक्यूज़ कर रहा है कि आप एस्पियनेज में इन्वॉल्व हैं, और वो अगर सही नहीं है और बात गलत निकलती है तो उसका कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि इस तरह के केसेस में आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, न अपने फैमिली से शेयर कर सकते हैं, न अपने कलीग से शेयर कर सकते हैं, न अपने सीनियर से शेयर कर सकते हैं, न अपने जूनियर से शेयर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अकेले हैं, और आप, आपकी टीम और आपका इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा आपके लिए कुछ नहीं। और ऐसे माहौल में काम करना इस डिफ़िकल्टी के साथ 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ये बड़ी गजब की चीज़ है। लोगों ने उनके घर की जो तलाशी ली वो उनके निकल जाने के बाद ली, क्योंकि आप किसी के घर की तलाशी बिना प्रॉपर एविडेंस के या किसी कोर्ट के डायरेक्शन के, सर्च वारंट के नहीं ले सकते आप। जब वो चला गया तो फिर उसकी तहकीकात तो करनी ही थी, तो हम लोग उसके घर पे गए उसको ढूंढने के लिए। तो जब ढूंढने उसको गए, उसके दौरान में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पाई, जिसमें कि हम लोगों ने लैपटॉप भी पाया जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे ट्रांसमिट करने में। जो हमें आज पता है कि वो एक लैपटॉप के ज़रिए सारा इन्फॉर्मेशन भेजते थे, वो उसमें जो ईमेल्स थे वगैरह वो सब हमारे कब्ज़े में आ जाता। और एक बार वो आ जाता और अगर हम रविंदर सिंह को उस साबूत के साथ उनको कन्फ्रंट करते, शायद वो ये भी बता देता कि उनके हैंडलर कौन हैं और किन के साथ बात कर रहे हैं। सांबा का जैसे मुझे याद है एक केस था जिसमें कि जितनी बार बेचारे की पिटाई होती थी वो उतनी बार वो लोगों के नाम बोलता था, फिर उन लोगों की पिटाई होती थी वो लोग और 10 लोगों का नाम बोलते थे, फिर उनकी और पिटाई होती थी फिर और लोगों का नाम बोलते थे, या कोर्सिव क्वेश्चनिंग होती थी। तो इस तरह से कितने लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया उस केस में। अब ये ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी, बट इस बीच में तो उनके सबके कैरियर बर्बाद ही हो गए। तो ये मैं करना नहीं चाहता, और मैं ये तब भी कर सकता, मैं तब करने के लिए तैयार तब रहता अगर मेरे पास कंक्लूसिव एविडेंस रहता। हमारे यहाँ देश में काउंटर इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा दायित्व तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, और उनके पास वो मैकेनिज्म है, वो लोग हैं, वो तरीके हैं और वो ट्रेनिंग है जिससे कि वो काउंटर इंटेलिजेंस कर सकें। रॉ के अंदर भी काउंटर इंटेलिजेंस है, बट बहुत ही छोटे पैमाने पे है। मीडिया की बातों के ऊपर तो मैं कोई इसलिए कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि उनका क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये कहना मुश्किल है, लेकिन चूँकि मैं बहुत करीबी से जानता हूँ चीज़ों को, मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। बाय द टाइम रविंदर सिंह निकल गया, उस टाइम तक इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहा भी नहीं गया और उनको भनक भी नहीं थी कि ऐसा एक बड़ा केस चल रहा है, जो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गलती जो रॉ ने किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को नहीं इन्वॉल्व किया इस केस में। इस ऑप्शन के बारे में कि हम लोग आईबी को इन्वॉल्व करें या उनसे मदद लें, बड़े विस्तार ढंग से हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया आपस में, सोचा भी, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की बात तब आती थी जब आपके पास किसी चीज़ की कमी हो, या ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी हो, वॉचेस की कमी हो, टेक्निकल एड्स की कमी हो, तो ऐसी कोई कमी की कहीं कोई बात थी नहीं। और ये कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि
इन रीजन से किसी और दूसरी एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाए। दिल्ली से लेके जब वो भागे तब तक के दौरान किसी भी समय में उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस पूरे दौरान में ये जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, पता लगाना कि वो कौन हाथ है जो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसके कोई एविडेंस नहीं था। रविंदर सिंह ने प्लान तो बना चुके थे और अमेरिकन्स ने भी सारा प्लान बना लिया था कि उनको किस तरीके से इंडिया से बाहर लेके दूसरी आइडेंटिटी देके निकाल लेंगे। और एक चीज़ बहुत खूबी से जो किया गया है, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया गया। तो जैसे ही लोग जो उनको निगरानी में रख रहे थे थोड़े बहुत कन्फ्यूज्ड हो गए कि वो घर पे हैं या नहीं, और ऐसा माहौल बनाएगी कि जैसे कि वो तबीयत ख़राब है और घर ही में बैठे हुए हैं, वो किसी एक टाइम पे निकल गए वहाँ से। और निकलने के बाद ये अफवाह फैलाया गया कि वो चेन्नई की तरफ निकले हुए। तो जितने भी लोग जो निगरानी रख रहे थे चेन्नई की तरफ, इनका अटेंशन डाइवर्ट हो गया। और बीच में उन्होंने क्या किया, ये गाड़ी में बैठे और सीधा सीधा नेपाल बॉर्डर की तरफ वाया उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए। जहाँ तक उनके प्लानिंग का सवाल है, वैसी कोई प्लानिंग और डिसइंफॉर्मेशन नहीं था। जब उस रात वो नहीं मिले तो अगले दिन सुबह जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने इसकी जानकारी हासिल करनी शुरू की, और उस दौरान उनको कुछ मैचिंग नेम्स मिले जो कि चेन्नई उस दिन गए थे, और इसीलिए उन्होंने चेन्नई में इसकी तहकीकात की। उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया कि बाई रोड जाएंगे, क्योंकि सबसे कम चेकिंग बाई रोड होती है और बेस्ट और तरीका है नेपाल के जरिए, क्योंकि नेपाल जाने के लिए भारतीयों को कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनके पूरे फैमिली के लिए उन्होंने पासपोर्ट बना लिए, इनको एक जाली आइडेंटिटी दे दिया, इनको एक फेक सिटीजनशिप दे दिया। और जैसे ही वो ने काठमांडू की इमिग्रेशन तक पहुँचे, लोगों को ये अमेरिकन पासपोर्ट मिला और उनका सिटीजनशिप, उसमें कोई शक नहीं था, और उनको जाने दिया। और बाय द टाइम उनकी जहाज उड़ चुकी थी तब जाके पता चला वहाँ से कि रविंदर सिंह नेपाल में हैं और नेपाल से वो बाहर निकल चुके हैं। जब तक वो इंडिया में थे तब तक तो कुछ एविडेंस मिला नहीं जिससे कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। एक बार जब वो चले गए तो बाद में जब उनके पासपोर्ट्स का पता चला, उनके एयर टिकट्स का पता चला, उनकी इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स मिले, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला, तब जाके एक ऐसा केस बना जिससे कि वो उनको कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर सकते थे। ये एक ऐसा केस था जिसमें सर्विलेंस में आपको कुछ भी नहीं मिला, और तमाम वॉचेस, तमाम टेक्निकल डिवाइसेस के एप्लीकेशन के बाद भी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसको कि आप क्वालिटी एविडेंस कह सकते हैं। 2003 और 2004 की बात कर रहे हैं, जब इंटरनेट की कैपेबिलिटीज़ इतनी ख़ास थी नहीं, और चूंकि इंटरनेट की कैपेबिलिटीज़ हमारे पास इतनी ख़ास नहीं थी, उसको इंटरसेप्ट कैसे करें, उसको मॉनिटर कैसे करें, वो भी हमारे पास कुछ ख़ास था नहीं। तो एक मेंटल ब्लॉक भी हो जाता है, तो टेक्नोलॉजी की कमी थी, एक सोच की कमी थी, जिसके वजह से हम ये नहीं पता कर पाए कि वो किस तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को बाहर भेज रहा है। उन दिनों भी हम लोगों के पास टेक्निकल रिसोर्सेज इतने एडवांस थे, चाहे वो इंक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो या इंटरसेप्शन हो, सब में हम लोग काफ़ी एडवांस थे। और हमारी एजेंसी जो थी वो पहला ऑर्गेनाइजेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिसमें कि हम लोग काफ़ी एक्सटेंसिवली मोबाइल यूज़ कर रहे थे फॉर हमारे ऑपरेशंस के लिए। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहा तब तक हम लोगों को यही लगता रहा कि किसी को वो कुरियर के थ्रू अपने रिपोर्ट्स भेजता है, और ऐसी
कोई खबर नहीं थी जिससे ये महसूस हो या जिससे ये लगे कि वो इन्फॉर्मेशन टेक्निकल मीन्स के थ्रू भेजा है। मेरे ख्याल से काफ़ी महीनों तक काफ़ी डिटेल में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने प्लान किया था जिससे कि कभी उनको पता ना चले कि इसका हैंडलर कौन है और ये किस देश के साथ जुड़ा हुआ है। ये मिस्ट्री पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान रही और हमारा सारा एफर्ट जो था वो इसी हैंडलर को देखने में लगा रहा, ये पता करने में कि वो कौन सा हैंडलर है। और बाद में ये हम लोगों को मालूम पड़ा कि वो सारा काम एक हाई एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा था। तो उनको एक लैपटॉप दिया गया और उनको एक इंटरनेट कनेक्शन दिया गया जिसके थ्रू वो डायरेक्टली डीलिंग करते थे और सारे स्कैन जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते थे उनको स्कैन करते थे और फिर अपलोड करके भाई इंटरनेट भेज देते थे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जो भी फिजिकल सर्वेलेंस होता था उसमें कोई आमने सामने मीटिंग नहीं होता था। आगे के दिनों में काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बड़ी भारी चुनौती रहेगी कि किस तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी को पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक एरियाज में और कम्युनिकेशन एरियाज में एजेंट्स इस्तेमाल करें। वो न तो डबल एजेंट थे और न ही मोल थे, क्योंकि जो उनके ऑपरेटिव थे उसकी खबरें वो डिपार्टमेंट को लाके तो नहीं दे रहे थे, उल्टा हमारी खबर उनके पास पहुंचा रहे। तो उनको डबल एजेंट कहना तो सही नहीं होगा, उनको हम लोग एस्पेनाज एजेंट कह सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि जब भी एक कोई ऐसा केस सक्सेसफुल होता है किसी खुफिया एजेंसी के लिए, वो चाहे मनी हो या हनी ट्रैप हो, अल्टीमेटली उस आदमी की इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता है। और शायद रविंदर सिंह का इंटीग्रिटी था ही नहीं, और जितना हम जानते हैं आर्मी में भी वो खास सक्सेसफुल नहीं थे और काफ़ी मीडियोकर थे फौज में भी। तो फौज से जब रॉ में आए काम उतना ही मीडियोकर रहा उनका। यही नहीं कि इस तरह के अफसर केवल मेरे यहाँ हैं, बाकी सभी जगह हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप थोड़ा सा ट्रिप करेंगे तो आप स्पेनाज एजेंट बन जाएंगे। जब तक आपने ट्रिप नहीं किया तब तक आप एक इफेक्टिव ऑफिसर हैं, जो ही आपने ट्रिप किया आप स्पेनाज एजेंट बन गए। शुरू शुरू में एक होता था कि साहब आप किसी भी ऑफिसर को स्कॉच दे के खरीद सकते हैं, ड्रिंक्स पिला के ले सकते हैं, क्योंकि स्कॉच उन दिनों बहुत महंगा होता था हमारे ज़माने में। तो किसी को भी दे दें आप तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा ना। एक बार तो आपने स्कॉच ले ली, फिर जो उसने आपको आदत डाली, क्योंकि आप अपने सैलरी से स्कॉच अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपने सैलरी से बच्चों को दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में दाखिला नहीं करा सकते, आप उनको नौकरी नहीं दिलवा सकते। उसी जगह पे आपको ये समझना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि मेरे लिए क्यों किया जा रहा है। लेकिन ऐसा है कि पैसा और पोजीशन और बच्चों का फैमिली का प्रेशर ये एक ऐसा चकाचौंध है जिसको आप रोक नहीं पाते, और ये बड़ी भारी बीमारी है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान एजेंसियों को होता है। और इससे इनफैक्ट हमें ये ध्यान दे रखना चाहिए कि हमारे जो सिस्टम्स हैं एवेल्यूएशन के, अप्रेजल के, कि आदमी काम ठीक से कर रहा है, उसका क्वालिटी क्या काम है, शायद वहाँ कुछ कमियाँ रह गई कि एक आदमी जिसका काम इतना मीडियोकर है और चूँकि इसका काम मीडियोकर है उसकी इंटीग्रिटी भी बहुत वीक है। वो लेवल की इंटीग्रिटी जो है अब बहुत कम हो गई और ये घटती जा रही है, और इसका बड़ा नुकसान हम लोगों को भरना पड़ सकता है आगे के दिनों। देखिए रविंदर सिंह एपिसोड हो और उसके आसपास जितनी भी जो भी इवेंट्स हुए उस टाइम से, हमें
ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी आदमी के प्रिंसिपल पे या इंटीग्रिटी पे एक इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा कर सकते हैं, या उनके पर्सनालिटी पे डिपेंड करके कहें कि देखिए जब तक ये लोग ठीक रहेंगे और इनके प्रिंसिपल ठीक रहेंगे। मैं ये नहीं मानता। हमें सिस्टम्स रखने चाहिए और सिस्टम्स इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी किसी भी आला अधिकारी किसी भी पोस्ट पे कितना भी सीनियर क्यों ना हो, अगर वो सिस्टम को उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर पूरे कानून का गाज गिरना चाहिए। मेरी धारणा ये है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस परफेक्ट हैं, हमारे पास लॉज परफेक्ट, हमारे पास प्रोसीजर्स परफेक्ट, इनकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे इंटेलिजेंस कम्युनिटी में अकाउंटेबिलिटी की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरे देशों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होता है, हमारे देश में कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का नामो निशान तक नहीं है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि एक सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाया जाए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। रियलिटी को जो लोग नहीं जानते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन परफेक्ट है, हमारे यहाँ लॉज हैं, हमारे यहाँ रूल्स हैं, हमारे यहाँ प्रोसीजर्स हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है ऐसे लोगों की जो इसके अंदर काम करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं इस केस को जब समझता हूँ और देखता हूँ तो किसी को भी ल्योर ऑफ मनी दीजिए तो वो टेम्प्टेड हो जाता है और फिर ये पता नहीं चलता है कि कहाँ रुकना है। और अगर आपको ये महसूस नहीं होगा कि कहाँ रुकना है तो फिर वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस यही था, टू टेक हिम टू द फार्देस्ट लिमिट, जहाँ से कि वो ही कैनॉट कम बैक, या तो वो प्रेसिपिस पे खड़ा होकर गड्ढे में गिरे लेकिन वापस नहीं, और वापस फिर सोसाइटी में वो एग्जिस्ट नहीं करे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.